नमस्कार, स्वागत है आपका N20 लाइव में। मैं मोहन यादव। आज हम ऐसे जगह पे पहुँचे हैं जहाँ पे विकास की बातें सिर्फ कागजों में होती हैं, धरातल पे शायद कुछ भी हुआ हो तो इन लोगों से जानेंगे। बात जब आती है मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना की, तो यहाँ पे हर विकास कागजों में दिखाया गया है, ना कि धरातल पे उतारा गया है। आपको बताएंगे, दलित बस्ती में पहुँचे हुए हम सफापुर यहाँ पे, और सफापुर के दलित बस्ती में जो माहौल है और यहाँ पे जो विकास है, एक एक करके लोगों से बात करेंगे, दलित बस्ती के लोगों से, कि यहाँ पे बीते 5 सालों में कितना विकास हुआ है। क्योंकि एक तो शिक्षा का अभाव होता है लोगों के पास, ना तो वो पढ़ पाते हैं और ना जान पाते हैं कि हमारा जो सिस्टम है वो कैसे काम करता है, ना ही कोई बताने वाला होता है। हालांकि आलम यह है कि यहाँ के जो भी बस्ती है, घर तक आने का कोई सड़क भी नहीं है। जानते हैं यहाँ पे क्या माहौल है। चाची, अभी जब इलेक्शन आने वाला है, यहाँ पे कई सारे काम हैं जो कि आप लोगों के लिए किया जाता है। उसमें सबसे पहले राशन कार्ड आता है, वृद्ध पेंशन योजना आता है, इंदिरा आवास योजना आता है। इन सब चीज़ों में से क्या क्या आपको मिला है आपके पंचायत में, जो मुखिया है या जो भी है, क्या आपको प्रोवाइड कराए? ना राशन कार्ड मिलल बा, ना हमनी के लाइटिंग बनल बा, ना हमनी के इंदिरा आवास मिलल बा। आपको रउआ में से कुछ नहीं खे मिलल? ना तो नहीं खे मिलल। मुखिया जी से कहे गई रहनी? ना कोई बेर कहा बल बैठे दो जना, ये मुखिया जी बने जा, दोनों जना में कौन जना ही बनवाओ नहीं जा। आपको मिला है इन चीजों में से कुछ ना? कुछ नहीं के हमने के मिला। रोड तो खराब है, गाड़ी एगो जाए के साधन हमने के नहीं के। हमने घर शादी बियाह होला तो रोडे पर गाड़ी लागेला, वजह से गाड़ी पर से आदमी जला आवेला। हम आपको अभी जब बात कर रहे थे तो दिखाएंगे सड़क के बारे में कि यहाँ पे घर तक आने के लिए सड़क का बहुत बुरा हाल है। हालांकि सड़क तो निकला हुआ है, लोग बता रहे हैं सड़क निकला हुआ है, लेकिन जो यहाँ पे पानी वानी लग जाता है बरसात में, वो कंडीशन है कि आने का एकदम रास्ता नहीं है। जानते रात में हमने कहा था गिर जाता नहीं जा, रात में आते हैं तो गिर जाता नहीं जाने के बिछली से। तो जब वोट मांगने आते हैं तो क्या बोलते हैं आपको? यहाँ पे जो कोई भी नेता आता है वोट मांगने के लिए, क्या बोलते हैं? बन जाए या ना बने ला, तो पूछे ना जानी लोग? जाने जब पूछे तो कहे नहीं जाए, हो जाए या होके बना कर ला, कहाँ बने ला। आपको मिला है इंदिरा आवास? ना हमने के इंदिरा आवास नहीं के मिलल। हमने के माल जाल ले जाए में दिक्कत होता, गाड़ी घोड़ा ले जाए में दिक्कत होता, कन्या पुतारी आते से तो दिक्कत होता, रोड पर से पैदल ही आ जाता। आप देख सकते हैं इनका सिर भी फट चुका है, हालांकि ये सड़क का प्रॉब्लम है, जो कि कल आ रहे थे इसी रास्ते पे गिर गए और इनका सिर भी टूट चुका है। अभी जानते हैं, ये काफी बच्चे भी हैं यहाँ पे। बाबू, यहाँ पे स्कूल वगैरह जाते हैं आप लोग? हाँ, केवल मैं जाता हूँ और बाकी लोग नहीं जाते। कौन से क्लास में पढ़ते हैं आप? 8। यहाँ पे गाँव में आने जाने का रास्ता कहाँ पे, स्कूल कहाँ है आपका? सफापुर। कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से लगभग आधा किलोमीटर। आधा किलोमीटर दूर है? कैसे मतलब, सड़क ठीक है जाने के लिए? नो, इतना पानी लगा हुआ है ठेवना भर। अच्छा, साइकिल से बहुत दूर से घूम कर जाते हैं। अगर स्कूल में शिक्षा का ये माहौल है, बच्चे को जाने के लिए आधा किलोमीटर दूर जाना है, वो भी पानी पार करके जाना पड़ता है, आप अंदाजा लगा सकते हैं इन लोगों का दुखड़ा क्या कहता है। ये बात अगर सरकार तक जाए तो सुने और लोगों का दुखड़ा कृपया ध्यान दे, इस चीज को देखे, क्योंकि एक लड़का बोल रहा है कि घुटने भर पानी हेल के हमको जाना पड़ता है। बाकी लोग यहाँ पे देख रहे हैं कैसे अपने दिनचर्या को पूरा करते हैं, बांस का जो ये छैटी दौरा बनाया जाता है उससे इनका रोजी रोजगार चलता है, ना कि इनको कोई और भरण पोषण के लिए पैसा मिलता है और ना ही कोई सुविधा दी जाती है। इस गांव की जो दलित बस्ती है, इनका बस एक उम्मीद जगह है, और जो यहां पे भावी मुखिया प्रत्याशी हैं सोनू आलम जी से बात करेंगे और जानेंगे क्या उम्मीद है इनसे, इन लोगों का। नमस्कार सोनू जी, स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा जो पहला लक्ष्य है कि मैं गरीब तबके के जितने भी लोग हैं उन लोगों को धरातल पे जो फंडिंग आ रही है उनका लाभ दिलाएं, हमारा यही पहला प्राथमिकता रहेगी। उसके बाद जो दिखेगी मुझे, जिसकी ज़रूरत है उसकी मैं मांग करूंगा वीडियो साहब से, अगर वीडियो साहब से पूर्ति नहीं हुई तो मैं DM साहब का दरवाज़ा खटखटाने का कार्य करूँगा। ये चीज़ें सब लोग दिलासा दिला के जाते हैं, आप कोई नया बात नहीं बता रहे इनको, लेकिन फिर इन चीज़ों पर काम नहीं होता, उसके लिए कौन जिम्मेवार होगा?
जी मैं कैसे आपको वादा करूं और कैसे मैं आपको प्रूफ करूं ये है, मगर अब इतना कंफर्म समझ लीजिए कि ये लोग यहीं पे हैं। इन लोग से पूछिए, काफ़ी हद तक मैं मदद करने का प्रयास किया है, जहां तक बोले हैं लोग, जहां मैं जाने का काम किया हूं और हमेशा इन लोगों के लिए खड़ा रहा हूं। आप स्पष्ट पूछ सकते हैं। नहीं, इन लोगों से बात करने पर यही बात पता चलता है कि अगर इनको कोई उम्मीद जागती है तो वो सोनू आलम जी से जागती है, क्योंकि सोनू आलम जी पे पूरा भरोसा है। अभी तो ना सोनू आलम जी कुछ हैं और ना ही कोई मतलब इनको पद मिला हुआ है, फिर भी इनके हर दुख सुख में काम आते हैं। इनके लिए जैसे शिक्षा का बड़ा अभाव है, जान नहीं पाते हैं, इनके माता पिता बच्चों को स्कूल नहीं भेजते हैं, उसके बारे में कैसे शिक्षा को उठाइएगा? जी देखिए, ये लोग जो हैं पढ़े लिखे नहीं है, शिक्षित नहीं है माता पिता जो है इनके, मगर ये जो बच्चे लोग हैं, मुखिया सरपंच बीडीसी वार्ड का क्या मतलब है, क्या काम है, उन लोगों को अभी नहीं पता है इनका क्या काम होना चाहिए धरातल पे। जो बच्चे, अगर बच्चे हैं पढ़े लिखे नहीं है, उनको स्कूल कैसे भेजना है, इनके माता पिता को कैसे जागरूक करना है, इनको कैसे बताना है कहाँ क्या करना है, ये चीज़ नहीं है। बस इन लोगों को परसेंटेज चाहिए, हमको ये काम आ गया, हमको इतना परसेंटेज दे दीजिए और उसके बाद आप मुंह मराइए, इससे कोई मतलब नहीं है लोगों को। इनार खोदवा दीजिए महा, अब मान के चलिए इनार का भी पैसा आया था, इनार खोदवाने का पैसा आया हुआ था, वो पता नहीं खुदा है कि नहीं, एक भी कहीं भी नहीं खुदा हुआ, उसका पैसा खत्म। डस्टबिन लगाने का पैसा आया था 18 लाख रुपया, वो पता नहीं एक भी डस्टबिन नहीं लगा है। स्ट्रीट लाइट लगाने का पैसा है तो वो भी नहीं। नाला फंडिंग बहुत सारी आती है जो आप बता रहे हैं, डस्टबिन वगैरह फंडिंग बहुत सारी आती है जो कागजों में रह जाती है, यहाँ पे धरातल पे कहीं नहीं उतर रही है, जो साफ दिख रहा है, जो साफ दिख रहा है उसी बात को आप बता रहे हैं। यहाँ पे एक चाचा भी है, क्या बता रहे हैं, इनसे बात करते हैं एक बार। क्या कहना है आपका, इनार का क्या कह रहे थे आप, एक बार बोलिएगा। पानी पिएगा गोजन होता, लेकिन अब तो बिगड़ तो गोज बहुत। सरकारी नलका नहीं लगा? हाँ हाँ, नलका नहीं लगा हुआ ना, कहाँ लगल बा। इनका दुखड़ा यही है कि आज के टाइम में पानी के लिए भी प्रॉब्लम है यहाँ पे जो। अच्छा, इन जो नल कह रही है कि पानी कहीं जाने का रास्ता नहीं है, तो अब समझिए कह रही है पानी के लेकर के, तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि सोखता के लिए सरकार ने पैसा वितरण किया था, फंडिंग किया था, मगर सोखता आप लोगों को यहाँ कितने लोगों को लगा बना हुआ है, 2021 में 150 सोखता को ई ग्राम स्वराज में दिखाया गया हुआ है, 2020 में भी सोखता का निर्माण का ये दिखाया गया हुआ कि सोखता निर्माण हुआ है। अब बताएं इन लोगों को सोखता की जरूरत है, और सबसे गरीब तबके के लोग है, जाति से डोम है लोग, फिर भी देखिए इन लोगों का स्थिति है। खेत में जाता तो बोला जी, अब बताइए झगड़ा होता है, बांस आओ साल की ढो जाता वो रोड में। समस्या एक नहीं अनेक है, समस्या पे बात किया जाए तो समस्या खत्म होने वाली नहीं है, लेकिन बस एक उम्मीद जागती है सोनू आलम जी किस हद तक सही कर पाएंगे, ये तो इलेक्शन के बाद पता चलेगा, लेकिन अभी क्या कहते हैं सुनते हैं। और देखिए, हमारा पहला ये, मैं सभी लोगों से मैं एक चीज को मैं ये इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, कि देखिए जो लोग, जैसे कि एक शिकारी था वो कहता था अपने कबूतरों को, उसी प्रकार की दाना छिड़केगा, शिकारी आएगा दाना छिड़केगा, जाल बिछाएगा और मुंह में फंसना नहीं, मगर यहाँ पे वैसा ही होता है कि सब लोग जानते हैं, मगर पैसा मुखिया प्रत्याशी लोग आएगा पैसा देगा और उसके बाद वोट नहीं देना है, मगर ये लोग पैसा लेगा आप वोट उसी को देगा और उसके बाद फिर 5 साल के लिए फंस जाएगा लोग। नहीं तो पैसा लेके अगर वोट देते हैं तो काम के लिए आप नहीं बोल पाएंगे उस उम्मीदवार को, किसी को भी, तो अगर आप भी पैसा बांटते आप भी यहाँ पे काम नहीं करेंगे। यहाँ पे लोगों ने ऐसा किया, मगर ये लोगों को पैसा नहीं मिलता है, इन लोगों में से कुछ लोगों को जो लोग मानने वाले हैं, जो लोग इन लोगों को जो मानने वाले वो लोग क्या कहते हैं कि इन्हीं को वोट दीजिएगा, होता क्या है कि वो जो है मेन वो पैसा ले लिया रहता है और इन लोगों को बेवकूफ बना करके, हाँ ये ठीक बड़ा है इनके वोट दो, इनके ये करो वो करो करके वोट दिलवा देता है लोग। इनसे पूछ लीजिए, इनका इनका जीवन का पूरा एक्सपीरियंस जान लीजिए। हाँ बताइए, पार्टी बना लेता लोग, ले लेता लोग, कुल मिला के अभी सरकार को ये देखना चाहिए, चाहे जितनी भी पिछड़ी जाति जनजाति जो भी अनुसूचित जाति है, सबसे बड़ी बात अगर कोई उठती है तो शिक्षा पे उठती है, वो शिक्षा को बढ़ावा दे ताकि जानकार लोग रहे उस मुद्दे पे बात करें और अपने हक को प्राप्त करें, ऐसे वोट ना बिके और ना ही इनको कोई खरीद बेच सके। 500 रुपये में वोट बिक जाता है, 1000 रुपये में वोट बिक जाता है, आज के टाइम में कुत्तों का भी कीमत 10,000 से ऊपर होता है, लेकिन इंसान के वोट का कोई कीमत नहीं होता, जानते हैं। यही मुखिया जी का ही चलेगा बा हमरा असली, नहीं तो आपके कहने से नहीं होगा ना, सब लोग को वोट करना पड़ेगा, सब लोग को सपोर्ट करना पड़ेगा। हाँ, दो में ही चल दिए सर। बाबू बोल रहा है, रुक जाएंगे।
देखिए हम लोग गाड़ी ले जाते हैं तो गाड़ी पर किसी भी माल उल बांध देता है और ले जाते हैं तो वो लोग बोलता है कि इसमें नहीं लिया ना है नार माई ले जाइए। नार माई ले जाते हैं तो बोलता है कि उसी में नाला मार दिया है, पानी में गाड़ी फंस जाता है तो हम लोग को गजन होता है। उसके बाद क्या करता है कि जो होती हैं देख रहे हैं आप, इनका भी यही कहना था कि हर तरीके से समस्या है, सड़क पे जाने नहीं दिया जाता है, कहीं उनका टायर पंचर हो जाता है, कहीं बांस नहीं आ पाता है, कई चीजें प्रॉब्लम है। बस उम्मीदें हैं एक सोनू आलम जी से, ये तो आने वाला समय बताएगा कि सोनू आलम जी क्या विकास करते हैं। आखिरी उम्मीद इन लोगों से जो आपकी जुड़ी हुई है और जो आपको इन लोगों से उम्मीद है, क्या कहिएगा इसके बारे में? देखिए मैं तो यही कहूंगा कि सभी को मौका सभी लोगों ने दिया है, आज से 2001 से लेकर के 2021 हो गया, एक भी मुखिया दोबारा नहीं जीता हुआ है। सभी लोग को पारा पारी, ये जनता इतनी अच्छी है कि जो जैसा कह देता है वैसा सुन करके एक बार मौका दे देती है। मगर मैं ऐसा नहीं, मैंने स्पष्ट मैंने प्रूफ करने का काम किया है, हर लोगों के सामने हर काम में उतरा है मैं, 1.5-2 साल से मुकम्मल मैंने मेहनत मुशक्कत इन लोगों के लिए किया हूँ। और दूसरी बात, मैं चाहता हूँ, मैं एक युवा हूँ और मैं चाहता हूँ एक मौका मुझे मिले, और मेरी जो उम्र है अगर इस उम्र में अगर ऐसा ही भ्रष्टाचार इन लोगों की तरह मैं करूँगा तो जीवन मेरी सक्सेसफुल नहीं होगी राजनीति के, मुझे आगे जाना है और मैं यहाँ से विकास करके और विकसित पंचायत को आगे निकाल करके उसके बाद मैं कुछ करना चाहता हूँ, इसके आगे मैं कोई राजनीतिक का सफर तय करूँगा। राजनीति के मामले में या फिर बोले तो अपने फ्यूचर के बारे में आप भी तो कहीं रोटी नहीं ना सेक रहे भैया जी। नहीं, आप जानते होंगे कि कोई भी कंपनी अगर लंच नया कर रही है तो मटेरियल जो है नंबर वन का बनाती है, ओरिजिनल बनाती है, उसके अलावा उसका रेट थोड़ा कम रखती है। तो आप इतना समझिए कि हम बगैर खर्चा किए हम चुनाव जब लड़ रहे हैं तो हम काम करेंगे, आप फर्स्ट हमारा चुनाव है तो हम आप लोग का मान सम्मान भी करेंगे, आप लोग का काम भी करेंगे जी। इन्हीं उम्मीदों के साथ लोगों की उम्मीदें जुटी हुई है। बाकी सोनू आलम जी अब पंचायत इलेक्शन जीतने के बाद कितना विकास करते हैं ये तो आने वाले 5 सालों में पता लगेगा, तब तक देखते रहिए।